आज हम करेंगे स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है, तो आज पहले हम AS को कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो अगली क्लास होगी A2 के अंदर अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिकली बाइनरी सर्च और इंसर्शन सॉर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर चार्ट शुरू करवाने से पहले मैं एक चीज करवाना चाह रहा हूँ, ये भी प्योरली प्रोग्रामिंग से ही रेलेवेंट है। इसको हम कहते हैं पैरामीटर पासिंग मैथड्स। पैरामीटर पासिंग मैथड्स मैंने आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर नहीं करवाया होगा, उसके अंदर मैंने टॉपिक करवाया होगा सब रूटीन्स। सब रूटीन्स के अंदर फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, फंक्शन एंड प्रोसीजर्स को आप वैल्यूज पास कैसे करते हैं, मतलब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को वैल्यूज दे सकता है और अगर वो फंक्शन हो तो वो रिटर्न भी कर सकता है। लेकिन वैल्यू देने के, किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर को वैल्यू देने के दो तरीके हैं, कौन कौन से? अच्छा बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू। तो हम पैरामीटर पासिंग पासिंग मेथड्स को पढ़ रहे हैं, यानी क्योंकि आगे जाके हमें स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको मैं पहले डिस्कस कर लूंगा। एक चीज आ गई हमारे पास बाय रेफरेंस, इसके नोट्स बलीरा के पास बने हुए होंगे, और एक आ गई हमारे पास बाय वैल्यू। बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, बाय रेफरेंस में क्या होता है? बाय रेफरेंस में मैं इसको आसानी से जॉट डाउन कर रहा हूं, चेंज रिफ्लेक्स। ठीक है, चेंज डज नॉट रिफ्लेक्स वेयर इन मेन प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इन प्रोग्राम विच हैज पास द वैल्यूज, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये चीजें थोड़ी सी मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, उसका मैं बड़े आसानी से बहुत आराम से आपको समझा भी दूंगा। इसके अंदर क्या होता है, बाय रेफरेंस के अंदर रेफरेंस एड्रेस ऑफ बल्कि इसको पैरामीटर नहीं कहना चाहिए, पैरामीटर भी कह सकते हैं, रेफरेंस एड्रेस इसको और आसान कर देना, इज पास्ट। इसको हम कह देते हैं कॉपी ऑफ वैल्यू डेटा इज पास्ट। कहने का मतलब यह है कि बाय रेफरेंस के अंदर हम सिर्फ एड्रेस, अच्छा अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, छोटी सी बच्चों वाली एग्जाम्पल बना लेता हूँ। एग्जाम्पल को मैं विजुअल बेसिक के अंदर उसी विजुअल बेसिक के छोटे से कोड का तो मैं सूडो कोड भी लिख के देगा, ज्यादा आसान हो जाएगा, दोनों तरीके से समझ लेता हूँ। बीबी का फायदा ही होगा कि उसको हम रन करके चला के देख सकते। अच्छा, मेरे A2 वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने सारा बच्चों को मोस्टली पाइथन मेंटेन करवाया हुआ है गिटहब के ऊपर, और मैं समझाने के लिए बीबी करवा रहा होता हूँ, क्योंकि यार बीबी सूडो कोड बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप ES में हो, O-levels में हो, या पेपर 3 कर रहे हो A2 के अंदर, तो आपको सिर्फ सूडो कोड करना, आपको जो है किसी पाइथन या बीबी का पता ही नहीं होना चाहिए, ताकि उसकी चीज आप P3 में या P2 में ना लिखो। लेकिन जब आप सिर्फ P4 कर रहे हो तो उसके अंदर आप कोडिंग करते हो। बीबी और सूडो कोड क्योंकि बिल्कुल बराबर बराबर है, इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए P3 के लिए P2 के लिए आपको बीबी करवा रहा हूँ, क्योंकि पूरा उतनी ही लाइन का कोड जो है ना कन्वर्ट हो जाता है, पाइथन में चेंज ज्यादा। ये देखो, ये मेन प्रोग्राम होता है, अगर आप छोटे छोटे सब प्रोग्राम बना लेते हो, एक छोटा सा सब प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कह देते हैं, एक छोटा सा फंक्शन है, प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर को इसके अंदर सब कहते हैं, चलो फंक्शन ही कह देते हैं। फंक्शन का नाम है एड, ठीक है, इसके दो पैरामीटर्स है, एक पैरामीटर का नाम है ए और ये भी इंटीजर है, और एक दूसरा पैरामीटर है, थोड़ी हमें रिकॉल भी हो रही है ना चीजें, इसी को स्ट्रक्चर चार्ट की फॉर्म में थोड़ा बनाना सीखा कैसे बनाता है। एड AS इंटीजर है और BS ये भी इंटीजर है, ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है, ये भी इंटीजर निकाल रहा है, दो इंटीजर वैल्यू लेके उसको ऐड करके रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ रिजल्ट, इसको भी इंटीजर के तौर पर रख लेता हूँ, और रिजल्ट को मैं कर देता हूँ A+B। आसान था, रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न हमने कर दिया, ठीक है, रिजल्ट इजी बिजी। ये हमने एक फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन और बना लेते हैं, एक जानबूझ के प्रोसीजर बना लेते हैं। प्रोसीजर को बीबी में कहते हैं सब, इसका नाम रख देते हैं सब ट्रैक्ट, सब ट्रैक्ट
इसको अभी हम दो पैरामीटर्स पास कर देते हैं, सेम नाम हो सकता है, इसका नाम भी ए बी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसे ही जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको, क्योंकि ये प्रोसीजर है तो रिटर्न नहीं करेगा। ओके डिम रिजल्ट एज, अच्छा अगेन ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता हूँ कि थिंक वन स्टेप एट अ टाइम ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, तुम लोगों को ज्यादा चैलेंज ना किया जाए तो बेहतर, बिल्कुल हम उससे ही पैटर्न के ऊपर इंटीजर, और समझ तो गए हो गया क्या लिखने के लिए जा रहा हूँ, एक्स माइनस पर इस पर रिटर्न करेंगे क्या, नहीं कर सकते तो मैं काम करता ना ई पे प्रिंट कर देता, प्रिंट करने को हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन द सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज, ये हमारा मैसेज हो गया और ये हमारा वेरिएबल हो गया, सही है, दो सब रूटीन्स बन गए अब्दुल्ला। मेन प्रोग्राम से कॉल कैसे करेंगे इसको, आप बिल्कुल डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, मैं ऐड को कॉल कर लूँ, ऐड को मैं एक वैल्यू दे दूँ 10, ठीक है, एक को मैं दे दूँ 6। अच्छा ये इस प्रोग्राम के अंदर मुझे अगर चेंज रिफ्लेक्ट करवाना है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये बहुत मजे का प्रोग्राम बना लेकिन क्योंकि मुझे तो फिर चेंज रिफ्लेक्ट करके दिखाना है तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। इसके अंदर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, रिजल्ट को वापस भी ले सकते हैं, लेकिन हम और आसान करते हैं इसको, इसको कमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो बच्चे बीबी के अंदर पेपर फोर करेंगे उनके लिए देखिए थोड़ी सीखने का ऑप्शन है। इसको मैं सिर्फ मूव कर देता हूँ ए और A इज इक्वल टू ए प्लस 5 कर देता हूँ, मैं रिटर्न में ए कर देता हूँ, सही है, लेट्स कीप इट मोर सिंपल। देखो उसको इसके स्नैपिंग वीडियोस, ये पेपर 2 के अंदर सामान्य क्वेश्चन आता है, आईडी का एक फीचर बताया स्नैपिंग विंडोज, स्नैप करके इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैं यूज ही नहीं कर रहा, अपना सिर्फ इस फंक्शन को यूज कर रहा, फंक्शन का नाम क्या है, एड, कितने पैरामीटर्स है इसके, एक ही पैरामीटर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐड को कॉल करते हैं, ऐड को हम एक वैल्यू दे देते हैं 5, ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा एक चेंज लेकर आ रहा हूं, यहां लिख देता हूं मैं डिम रिजल्ट एज इंटीजर, यहां मैं लिख देता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड इज इक्वल टू 5। ये एक और बहुत सुभान बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि एड फंक्शन है, क्योंकि वैल्यू को रिटर्न लेकर आएगा मेन प्रोग्राम में, इसलिए मैंने मेन प्रोग्राम में जो सब मेन एंड सब लिखा हुआ है इसके अंदर मैंने एड को जो कॉल किया तो कॉल से पहले मैंने एक वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवा ली, जब ये एड चलेगा तो ये वैल्यू रिटर्न लेकर आएगा, जब रिटर्न लेकर आएगा तो रिजल्ट स्टोर करेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेक होता है, वो पूछता भी है इवन वो लेवल के अंदर उसने पूछा होता है क्या फर्क है इसमें, कौन सा वाला जो है वो सब रूटीन उसकी वैल्यू को आपको मेन प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ता है, कौन से वाली सब रूटीन, सबरूटीन की दो टाइप्स है प्रोसीजर और फंक्शन, तो किस वाली सबरूटीन की वैल्यू को आपको वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, फंक्शन को करना पड़ेगा, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ना समटाइम इनको भी ट्विस्ट करके पूछा, वेरिएबल नहीं होगा स्टोर करने के स्टोर डायरेक्ट आउटपुट कर सकते हो, आउटपुट कर सकते हो, लेकिन बेसिक हम अभी सबके लिए हम बिल्कुल सही सोच रहे हो, कंसोल डॉट राइट लाइन इसको मेन प्रोग्राम में कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं द रिजल्ट और स्ट्रिंग सेपरेटर, सुडोकोड के अंदर कॉमा लगाते हैं, इसमें रीड की ये रस्मन जब भी प्रोग्रामिंग करता है तो लिख दिया करता है, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मेथड क्या होता है कौन बताएगा, दो पैरामीटर पासिंग मेथड होता है, हमने अभी भी डिस्कस किया, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय वैल्यू होता है, ठीक है, अगर अगर मैंने ये नहीं लिखा ना, देखो बाय वैल, अगर मैंने बाय वैल नहीं लिखा तो समझ लो कि बाय वैल लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मेथड बाय वैल्यू, वैल्यू का मतलब है कि जो होगा वो आपका जो भी पैरामीटर पास करोगे वो कॉपी होगा, अच्छा कॉपी होने वाला सीन क्या, इसको मैं जल्दी से कॉपी वाला सीन भी बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा सुडो कोड के फॉर्म में भी लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा,
सुडो कोड लिखेंगे तो बहुत आसान है। सुडो कोड में हम क्या लिख देंगे, मेन लिखेंगे और डिक्लेयर लिख देंगे। कन्वर्ट करना आता है ना तुम लोगों को, बस ये चेंज है इंटीजर और रिजल्ट। रिजल्ट की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर है, एड को कॉल किया राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, हमने इसको पैरामीटर 5 दे दिया। कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह हम लिख देंगे प्रिंट लिख दो या आउटपुट लिख दो, एक ही बात है। प्रिंट लिखने के बाद आप लिख दो रिजल्ट, इसकी जगह पे आप ये लिख दो। मिर्जा भाई क्या हो गया, शुक्र। रिजल्ट वेरिएबल और एंड में इसको पूरा पूरा लिखा करते हैं हम। फंक्शन एड बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मेथड बाय वैल्यू होता है, लेकिन हम यहां पे लिख देते हैं बाय वैल ए इंटीजर और रिटर्न क्या करेगा, समझ गया ना आगे क्या लिखा है। चलो इसको मैं अपने शॉर्टकट वाले तरीके से लिख देता हूँ। अच्छा अनदर वे ये भी है लिखने का, इंटीजर यू भी लिख सकते हो। ए असाइन टू ए प्लस 5 रिटर्न ए एंड फंक्शन, सही है, सुडो कोड लिख दिया। अच्छा देखो यहां से अगर मैंने इसको बाय वैल कॉल किया है ना, अब पीछे का बैकग्राउंड का सवाल, अगर तुमने एड फंक्शन एड आगे तुमने बाय वैल ए इंटीजर किया है ना, पीछे देखो मेन प्रोग्राम के अंदर भी तुमने क्या किया हुआ, इसको वैल्यू 5 दी हुई है, सही है। तो इसका मतलब ये कि इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खाली रिजल्ट को आउटपुट किया ना, स्टे वैल्यू है ना, हमने इसको डायरेक्ट 5 दिया, हमें काम करते हैं। अगर मैं यूं कर दूं कोई मसला तो नहीं है, अगर मैं 5 देने के बजाय x को एक वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर कर दूं, उस वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर कर दूं, वेरिएबल ना दे दूं, मसला तो नहीं है, पक्की बात है। चलिए एक दफा मैं इस रिजल्ट को भी आउटपुट कर रहा हूं, और एक दफा ना चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन जो मेरे इसी मेन प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल, ये चीज ठीक है, अब देखते हैं इसको दोबारा। अच्छा हुआ कि हमारा वो सुडो कोड एक कोने में आ गया, वो भी हमने सीख लिया कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे खाली हम पैरामीटर पासिंग मेथड की स्ट्रेटेजी को समझते हैं। चले वेरिएबल x, एक वेरिएबल हमारा रिजल्ट है, ठीक है, ये तो मेन प्रोग्राम के अंदर ही डिक्लेयर हुआ है, सही है। एक वेरिएबल हमारा x है, ये भी हमारा मेन प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर हुआ है। फिर नीचे एक हमारा यहाँ पे पैरामीटर है a, इसको भी देखा जाए तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, ये डिक्लेयर होता है, इसको आपको नीचे नीचे डिम करके डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जब किसी फंक्शन के अंदर या प्रोसीजर के अंदर आप ए या जो भी पैरामीटर हो उसको इंटीजर करके लिख देते हो ना, तो वो डिक्लेयर भी हो जाता है, उसको दोबारा तो डिम करके ए इंटीजर नहीं करोगे, फंक्शन के अंदर पैरामीटर लिखा डिक्लेयर भी होगा, सही है। अच्छा हाँ नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो फंक्शन के अंदर जो ए डिक्लेयर हुआ है ना, ये सिर्फ इसके अंदर जाना पहचाना जाता है, इसका स्कोप लोकल है। जो रिजल्ट और एक्स डिक्लेयर हुए हैं ये भी इस सिर्फ मेन प्रोग्राम के अंदर जाने पहचाने जाते हैं, रिजल्ट को और एक्स को नीचे फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि रिजल्ट और एक्स लोकल है मेन प्रोग्राम के अंदर। अलबत्ता अगर किसी को मैं यहाँ इस जगह पे डिक्लेयर कर दूं किसी वेरिएबल को यहाँ मेन प्रोग्राम से ऊपर,
तो वो फिर सारी सब रूटीन के अंदर भी जाना जाएगा और मेन प्रोग्राम के अंदर भी जाना जाएगा, उसका स्कोप हो जाएगा ग्लोबल। ग्लोबल मतलब मेन प्रोग्राम सब प्रोग्राम से ऊपर डिक्लेयर करोगे तो ग्लोबल हो जाएगा। इसके अंदर मैं वीपी को करने का रीजन नहीं था, इसलिए मैं लाइव एग्जाम्पल तो मैं यू दिखा, मैं यहाँ पे ऐसी रिजल्ट को ना यूज करने की कोशिश करता हूँ। चलो दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, लाइन बनी नहीं आ रही है, उससे पूछोगे तो वो कहेगा एरर पता नहीं क्या, जो भी उसको समझ में नहीं आ रही, रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर तो किया है, क्यों कह रहे हैं नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है, वो बहुत उसका स्कोप जो है वो लोकल है, ग्लोबल नहीं है। रिजल्ट का यहाँ जैसे मर्जी यूज करो, यहाँ उसको मैं जो मर्जी लिखने आता हूँ, तो रिजल्ट यहाँ पर देखो उसको पता चल रहा है रिजल्ट क्या, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, तो स्कोप इसका लोकल हो गया। अगर उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हो तो देखो यहाँ पे इसको मैं यूज नहीं कर पा रहा ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, देखो हर जगह सही हो गया, अब नीचे भी यूज हो रहा है, ऊपर भी यूज हो रहा है, क्योंकि वो मेन प्रोग्राम से ऊपर डिक्लेयर हुआ है, उसका स्कोप ग्लोबल होगा। अब जितने नीचे सब रूटीन्स बनाओगे सब में तुम उसको यूज कर सकते, तो ये वेरिएबल्स का स्कोप होता है लोकल या ग्लोबल होना। अच्छा हमने ये चीज भी समझ ली, हमारे पास जो अभी तक का सिनेरियो समझने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मेथड बाय वैल्यू होता है, अगर यहाँ इस जगह पे हमने फंक्शन के इस जगह पे हमने बाय वैल्यू नहीं लिखा तो आप सपोज कर लेंगे कि ये लिखा हुआ है। बाय वैल्यू से क्या होता है, कॉपी बनती है, हमने ये लिखा हुआ था ना यहाँ पर, बाय वैल्यू के अंदर कॉपी बनती है, कॉपी बनती है कैसे बनती है, तुमने रिजल्ट को ये लाइन चली ये लाइन चली, ये बन गया ये बन गया, एक्स के अंदर फाइव स्टोर किया, एक्स के अंदर फाइव स्टोर हो गया, तीसरी लाइन चली चौथी लाइन के अंदर हमने एड को पांच दे दिया, ये प्रोग्राम फॉरन यहाँ से जंप लगा के आएगा इधर, और ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, पांच स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर से इसको पांच दिया, ए के अंदर पांच स्टोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाय वैल्यू है तो ए की सेपरेट बॉक्स के अंदर कॉपी के अंदर पांच स्टोर हो, देखो ऊपर से तुमने इसको वैल्यू फेंकी, ये तो बहुत सिंपल है ना, देखो इसको आराम से देखो, इसको एड को मैंने पास दिया, एक्स में पास था ना, ये तुम्हारा एड फंक्शन है सही है, उसका ए की पैरामीटर है ए, तो उसको ए में कैच कर लेगा, मतलब फंक्शन एड को एक बॉक्स बना के दिया हुआ, फिर से एक चीज यूँ फेंकी उसने ए बॉक्स के अंदर कैच कर लिया, इसको सिंपल समझो, बस हम किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर को वैल्यू देते हैं, आगे जो भी फंक्शन प्रोसीजर बना होता है उसके जितने भी पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं दो तीन पीछे से उतनी ही वैल्यूज उसी तरह से फेंकनी पड़ती है। उस तरह से फेंकने का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे हमने एक फंक्शन बनाया है, उसका पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है, बाकी दो पैरामीटर इंटीजर है, उसका पीछे मेन प्रोग्राम से उसको कॉल करोगे ना तो इसी पैटर्न के ऊपर फेंकोगे कि पहली वैल्यू तुम दोगे स्ट्रिंग, बाकी दो वैल्यूज इंटीजर फेंकोगे, तो उसको उसी तरह से कैच करेगा, सही है। अच्छा एक अंदर फाइव आ गया समझ, अच्छा नीचे आने के बाद हमने ए को क्या किया, फाइव प्लस फाइव करके क्या कर दिया, देखो ना हमने ए को क्या कर दिया, यहाँ पे टेन कर दिया, ए हो गया तुम्हारा अपडेट होकर हो गया टेन, एक्स के पीछे क्या स्टोर है, ए के अंदर हो गया टेन, अब जब रिटर्न ए करेंगे तो उसको क्या मिलेगा, रिटर्न में टेन मिलेगा, इसका मतलब जब वापस आने के बाद यहाँ पे वो आउटपुट करेगा तो क्या आउटपुट करेगा, द रिजल्ट टेन करेगा, नीचे आके जब वेरिएबल एक्स के अंदर क्या स्टोर है, फाइव आउटपुट करेगा, रन करके देखते हैं, उसको ऐसा होल्ड रन करके देख लेता है, हमारे पास आउटपुट 10 और 5 आ रहा है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा चेंज मारते हैं उसके अंदर, हम मैं यहाँ पे लिख के दिखा भी देता हूँ उसको, मैं बाय वैल लिख देता हूँ, तुम्हारा बाय वैल लिख के इसको रन कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, वैल्यूज नहीं है, अच्छा सुडो कोड के अंदर भी है, अगर उसने नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट बाय वैल, ठीक है, सुडो कोड पढ़ रहा हूँ, अब इस बाय वैल की जगह पे मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ बाय रेफ, असल कॉन्सेप्ट क्या है भाई, वो ये है कि अब असल गेम देखो ये, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि यार तुम लोग ना इसको दिमाग में ऐसे पिक्चर बना के समझ लो, अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, इसको इसका इसको सेव भी कर लेता हूँ,
ठीक है, इस जगह पे बाय 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 डिफॉल्ट। अब ये आ गया बाय रेफरेंस, उसको हम हेडिंग भी डाल देते हैं बाय रेफरेंस। इसमें क्या होगा, डिक्लेयर डिक्लेयर हुआ बिल्कुल इसी तरह से रिजल्ट, और उसके बाद एक्स डिफाइन हो गया। अच्छा, नीचे जब आप बाय रेफरेंस ए लिखोगे ना, आप पता है क्या होगा समान, आप पता है क्या होगा, देख यहां पर आएगा बड़ा सा ए, ए का वो नया बॉक्स नहीं बनाएगा, कॉपी नहीं बनाएगा, उसका जो एक्स का रेफरेंस है ना उसको उठा के दे देगा। ये सीन होगा इसमें बाय रेफरेंस। अच्छा होगा क्या, इससे इससे नुकसान ही होगा कि अब जब तुम रन करोगे ना तो उसको टुकड़ों में रन करना, सही है। अब यहाँ पे तुमने देखो x की वैल्यू 5, x में 5 है ना, ये तुमने नीचे दी, a के अंदर भी आ गया 5। इसका मतलब ये कि रिजल्ट में तो फर्क कुछ नहीं था, इसमें 5 था, a भी उसी 5 को ही पॉइंट गया, अपनी कॉपी नहीं बना रहा। अच्छा नीचे गया, उसने a के अंदर कर दिया 10, ये किसको पॉइंट कर रहा है, उसी बॉक्स को, 10 का हुआ उसी के अंदर 10 हो गया। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि चेंज रिफ्लेक्स, जो भी आप चेंज करोगे चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रन करके देखते हैं, वापस आता है, वापस चलने के बाद इधर आया, इसने रिजल्ट आउटपुट किया, एक्स आउटपुट किया, हमने जब दोनों को देखा तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 10-10 आ गए। जो रिजल्ट रिटर्न हुआ वो भी 10 हो गया, क्योंकि पीछे जब यहां से उसने रिटर्न ए किया तो रिजल्ट के अंदर क्या आ गया, इसके अंदर भी 10 आ गया, ये भी 10 हो गया, एक्स भी 10 हो गया बेचारा, क्योंकि रेफरेंस पास हुआ था। तो जब आप किसी वेरिएबल को रेफरेंस पास करते हो उसकी चेंज, सिर्फ आप ये नहीं कहोगे कि मेन प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम को वैल्यू देगा, अगर वो बाय रेफरेंस देगा तो उसको दूसरा प्रोग्राम जो भी काम करेगा वो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसके, बाय वैल्यू के अंदर नहीं होगी, ये रिक्वायरमेंट होगी। समटाइम हम चाहते हैं, डेवलपर चाहते हैं कि चेंज रिफ्लेक्ट हो, समटाइम चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए इसको डिफर रखा, समटाइम चाहते हैं कि वैल्यू दे वो जहाँ पे उसको करके वहीं पे आउटपुट जनरेट कर दे इस्तेमाल, समटाइम चाहते हैं जो काम हो उसका रिजल्ट हमें मिले पीछे। नहीं, आपके अभी स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर भी, और जब आप पेपर 4 की कोडिंग मेरे साथ करोगे तो उसके अंदर भी देखोगे ये चीज जो है वो, लेकिन वो ए लेवल पे अच्छा है कि आपको समझाता है, आपको खुद से प्रोग्रामिंग के अंदर ये लॉजिक लगानी नहीं पड़ेगी कि मैं बाय रेफरेंस यूज करूँ या मैं बाय वैल्यू करूँ, आपको बोलेगा इसको बाय रेफरेंस करो, या जो है स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर भी उसको हम देख लेते हैं। चलिए जी, एक अब हम इस फॉर्म में आ गए हैं कि हम स्ट्रक्चर चार्ट को समझ लें। पेपर 2 AS का 9618, तुम्हारे पास बुकलेट खुली हुई है, नहीं है तो निकाल लो, इसमें स्ट्रक्चर चार्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं ट्राई करता हूँ लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके चलूँ। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को याद होगा, अभी वाले हमारे कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा मर्ज हो रहा है। अच्छा, स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर बाय रेफरेंस एक चीज तो मैंने ये भी लिखी हुई है, सिंबल्स भी होते हैं, दो सिंबल्स होते हैं बस स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर, एक रिपीटेशन का कहलाता है, एक सिलेक्शन का कहलाता है, उसको भी हम इसमें यूज करना सीख लेंगे। मैं यहाँ पे पुणे में बना देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ये पेज नंबर 1 आपके पास होगा, जो प्रिंटेड बुकलेट है उसके अंदर 118 पर होगा, 118 पर। ये रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं, और ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, सही है। चले जी, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 सब प्रोग्राम्स हैं, फंक्शन एंड प्रोसीजर सब रूटीन्स होती हैं, सही है ना, और ये सारे के सारे सब प्रोग्राम्स किसके हैं, हेड के। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हेड के सब प्रोग्राम्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 सब प्रोग्राम्स हैं, और हेड कौन हो गया, ए, खुद ब खुद समझ में आ गया कि ए हेड होगा, क्योंकि उसे मतलब हेड के 5 सब प्रोग्राम। आगे जाके उसे हमें मेंशन भी किया हुआ कि आप लेबल करें कौन सा वाला मॉड्यूल क्या है, हमें मैं उससे यहाँ पे लेबल करने से मना किया हुआ मॉड्यूल्स के नेम को, मॉड्यूल सब प्रोग्राम सब रूटीन एक ही जरूरत है, उससे बोला मैं सब रूटीन का नाम यहाँ इस पिक्चर पे नहीं लिखूँ, यहाँ पे आप एरो एरो बना सकते हो, आप सब प्रोग्राम सब रूटीन के नाम यहाँ पे लिखो, लेकिन मैं समझाने के लिए भी फिलहाल यहीं पे लिखा, सही। ए हमारा हेड हो गया, पेपर के अंदर बेटा क्वेश्चन पढ़ के समझ के कीजिएगा,
जिस तरह से भी मैं कर रहा हूँ पता चले कि मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, पेपर भी बोला था नहीं लिखना, तो यहीं पे लिखकर आगे सर डोनेशन लिखवा दो, गलत हो जाएगा, आगे वाला खाँचा खाली छोड़ा हुआ पता चला, अरे तो एक्स्ट्रा छोड़ो यार कौन करता है, समझा हो सकता है उसमें भूला होगा यहीं पे करो। अच्छा तो ए हमारा हेड है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद वो कह रहा है, अभी हमें यहाँ पे देखना है, कह रहा है कि मॉड जो वी है ना, अब समझ देखो ये बड़ी मजे की चीज है, मॉड वी तुम्हारे कितने पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है, एक ही पैरामीटर रिसीव कर रहा है, और मॉड वी की रिटर्न डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर चार्ट में सिर्फ जब रिटर्न, मतलब रिटर्न नहीं, जब भी हम कोई बुलियन वैल्यू पास करते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो तो उसका सर्कल फिल होता है, सिर्फ बुलियन डेटा टाइप का सर्कल फिल होता है। फंक्शन मॉड फाइव ऐसा है जो कि एक पैरामीटर को रिसीव कर रहा है और एक वैल्यू को वापस रिटर्न कर रहा है हेड की तरफ, तो बुलियन तो एक ही नजर आ रहा है, डी जो है वो रिटर्न कर रहा है हेड को वैल्यू, देखो ये बुलियन है यहाँ पे लिखा हुआ है बुलियन, इसका मतलब तुम इसको कह सकते हो कि ये तुम्हारा मॉड फाइव, लेकिन देखो इसमें एक एरो बना हुआ है, ये S2 एक पैरामीटर है जो कि इंटीजर है, वो इसको मिल भी तो रहा है, वॉल्ड फाइव को मिल भी रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ कर देंगे, अगर असल में किसी किसी के तो नंबर है ना तीन है, मिसिंग मिसिंग छोड़ा हुआ इसका, क्योंकि इंटीजर है तो सर्कल फिल नहीं होगा। अच्छा मॉड W का एक ही पैरामीटर है, कोई ऐसा नीचे ढूंढो बॉक्स जो एक ही पैरामीटर को रिसीव करता हो, एक ही पैरामीटर उसको मिल रहा हूँ उसकी तरफ आ रहा हूँ बी, तो इसका मतलब ये हो गया सर फील्ड सिर्फ बुलियन होगा, फील्ड सिर्फ बुलियन होगा और कोई भी नहीं होगा स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर, ये भी हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे गेम आ गई, मॉड एक्स एक ही दो पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है लेकिन उसमें से एक पैरामीटर बाय रेफरेंस है, बाय रेफरेंस में क्या होता है कि उसको रिसीव करेगा, रिसीव करके वापस भी देगा, इसका एरो पता है कैसे बना होगा तुम खुद ही समझ जाओगे, बाय रेफरेंस रिसीव भी कर रहा है वापस रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये वाला जो पैरामीटर है इसका ये बाय रेफरेंस है, ऐसे तुम्हें पता चल गया कि यार ये एक ही है जो कि दोनों तरफ रिसीव कर रहा है और दोनों तरफ एरो का मतलब होता है बाय रेफरेंस, तो इसका मतलब मॉड एक्स हो गया सी, मॉड एक्स हो गया क्योंकि यही बाय रेफरेंस एरो यही में बना रहा, तो ये तुम्हारा हो गया मॉड एक्स। तो हमने एक चीज और भी सीखी कि जो बाय रेफरेंस का एरो है वो इस तरह से बनता है, ठीक है ये बाय रेफरेंस है, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं दोबारा मिटा रहा हूं पेपर में। अच्छा उसके बाद मॉड वाई दो पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है, खाली दो पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है, मॉड वाई हो गया क्योंकि मॉड वाई के आगे ब्रैकेट के अंदर ये दो पैरामीटर्स लिखे हुए, तो किसी भी सबरूटीन के सामने उसके नाम के सामने जो जितने भी पैरामीटर्स लिखे होंगे इसका उनको रिसीव कर रहा है, लेकिन पीछे तो हेडर की डेफिनेशन को देखा इतना कंफर्टेबली बता सकता है कि दो पैरामीटर्स को ही रिसीव कर, वो किसी भी कोई भी उसको व्हाट्सएप लास्ट बच गया रियल वैल्यू रिसीव कर रहा है इंटीजर रिटर्न कर रहा है। अच्छा देखो इसमें इसमें मिस किया हुआ, एक वैल्यू को रिसीव भी कर रहा है और एक को रिटर्न कर रहा है, इसमें से रिटर्न वाली वैल्यू लिखी हुई रिसीव वाली नहीं लिखी हुई, ये भी बनाओगे और आगे मॉड जी लिखोगे कि ई जो है आपका वो मॉड जी है, सही हो गया। बेटा आखिरी चीज देखो तीन नंबर है इस पिक्चर के भी, आपने कितने एरोस बनाए हैं इसके अंदर, दो एरोस बनाए, नाम तो मैं आगे लिखने थे ना, नाम लिखने के नंबर तो यहाँ मिल लेते हैं मैं तीन, अब दो एरोस के तीन नंबर नहीं हो सकता, इसमें से यहाँ पे बात की हुई है कि द एडिशनल मॉड्यूल हेड, हेड जो इन सबको कॉल करता है रिपीटेडली कॉल्स थ्री ऑफ द मॉड्यूल्स इन सीक्वेंस, ये नीचे जो तीन मॉड्यूल्स हैं तीनों को बारी 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 कॉल कर रहा है, हेड इनको रिपीटेडली कॉल कर रहा है, हेड रिपीटेडली कॉल्स, इसका मतलब ये वाला एरो यहाँ बनेगा, हेड जो है वो बार 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 कॉल कर रहा है, तो स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर आप इससे अगर वो लिखता है कि हेड कैन कॉल आइदर एनी ऑफ थ्री
सब प्रोग्राम और सब मॉड्यूल्स। तो फिर आप उसमें कौन सा वाला यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, ये वाला बॉक्स बनाते हैं, ये भी आता है स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर, सही है। ये हमारा स्ट्रक्चर चार्ट का एक बड़ा मजे का क्वेश्चन हो गया।